हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देख लेते हैं, और देखिए जैसा कि जब भी हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो पोएट या ऑथर के नाम के साथ उनकी एज लिखी होती है और वो हमें ज़रूर याद करना होती है, ठीक है। एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ मिल्टन, ड्राइडन, पोप, ये सब एजेस। और कहीं फिर हमको इतना कन्फ्यूज़न होता है सभी को, तो वही है कि फिर कहीं लिखा होता है जो रेनेसा, एज ऑफ द कैरोलाइन पीरियड, द रेस्टोरेशन। तो देख लीजिए, बिल्कुल भी ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर के बाद, इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपको एज ऑफ मिल्टन लिखा मिलता, कहीं कैरोलाइन पीरियड लिखा मिलता है, तो भाई ये क्या डिफरेंस है और क्यों है, और क्या ये सिमिलर है, तो किस तरह से सिमिलर है। सारे आज हम इस छोटे से लेसन में कंप्लीट करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज, जैसा कि हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे इसमें क्या है। सबसे पहले, वैसे तो ये 7 पार्ट्स में होती हैं, लेकिन इसमें इन्होंने प्री चौसरियन जोड़ दिया है और लास्ट में देखिए प्रेजेंट एज भी ऐड कर दिया है। वैसे जो बीच में है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो हमारी है प्री चौसरियन पीरियड, देखिए अप्रोक्सीमेट डेट लिखी है ना, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं लिखी, क्योंकि कहीं हम बुक्स में प्रिंट कुछ और होता है, कहीं कुछ होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर उस पर रेट भी लगती है। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट डेट है। ये इस तरफ है लिटरेरी पीरियड कि जो इम्पोर्टेंट पोइट आए, ऑथर आए, उन जो बहुत फेमस हुए उनके नाम पर ही उनका जो लाइफ स्पैन था उस पीरियड को ही उनके नाम पर दे दिया गया नाम, ठीक है, लिटरेरी पीरियड। और इस तरफ जैसा कि हिस्टोरिक पीरियड, भाई ब्रिटेन में जैसा कि इंग्लैंड है, ब्रिटिश उधर जो भी राजा का शासन होता था, किंग होते थे वहाँ पे, उनके नाम से या कुछ भी ऐसा वहाँ पे कोई मूवमेंट चल रहा है उसके नाम पर, हिस्टोरिक जो भी इवेंट है उसके नाम पर नेम रख दिए जाते थे। तो वही है, एक बार हम लोग इसको समझते चलेंगे। सबसे पहला जो है प्री चौसेरियन पीरियड, अप्रोक्सीमेट डेट इसकी लिखी है 5th सेंचुरी से लेकर 1340 तक, है ना। और लिखा है ना एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन। तो क्या है ये, जो नॉर्मन की जो विजय हुई थी 1340 समय के आसपास, तो इसलिए इसे एंग्लो नॉर्मन भी कहा था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और कब से, 5th सेंचुरी से। अब ये 1340 तक है, यानी कि 1340 में हमारे किसका जन्म हुआ था, चौसर का। तो 1340 से लेकर 1400 तक की जो एज है हमारी, द एज ऑफ चौसर कहलाती है। और इस अब इसी एज का नाम, ठीक है, एज ऑफ चौसर का नाम हिस्टोरिक पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है, मिडिल प्लैंटाजेनेट पीरियड। तो अगर आपको एज ऑफ चौसर लिखा मिले या मिडिल प्लैंटाजेनेट लिखे, तो एक ही है ये, है ना। अब दोनों तरह से पूछ लेंगे, लिटरेरी पीरियड तो एज ऑफ चौसर है, और ये पूछ सकते हैं कि भाई उस समय हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था, तो मिडिल प्लैंटाजेनेट पीरियड था, उसका ड्यूरेशन था 1340 to 1400। इतनी बातें आ जाती हैं लिटरेरी पीरियड में। फिर पूछ लेते हैं, भाई एज ऑफ चौसर तो है, पर इसी ड्यूरेशन में अन्य और कौन से पोइट और ऑथर या राइटर फेमस थे या थे जिनका समय था उस समय भी। तो एक तो इसके हम मैं आपको बता देती हूँ, और हाँ ये सारी एजेस को हम अलग से भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको वैसे ही नाम बताऊँगी, जैसे कि जॉन वाइक्लिफ हो गए, विलियम लैंगलैंड जो कि हमारे चौसर के कंटेम्प्रेरी हैं, ये सारे, जॉन गोवर एंड टोटल, ये सारे। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट हो गए। नेक्स्ट हमारे जो है फ्रॉम चौसर टू टोटल मिसलेनी, टोटल भी जो है एक जो हमारे पोइट थे, इनकी वर्क है ये मिसलेनी। तो इनका समय चला 1400 से 1557 तक, 1557 तक। और जैसा कि इसको हिस्टोरिक पीरियड में क्या नाम दिया गया, लेटर प्लैंटाजेनेट पीरियड, है ना। तो इसी तरह से ये नाम इनके बना दिए गए। अब हिस्टोरिक पीरियड इस तरफ लिखे हैं तो ये सेम ही है, ऐसा नहीं है एक ही पाएंगे। ये भी लिखा है तो भी ठीक है, ये है तो भी ठीक है। एज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर जैसे 1564 से 1616। अब इस तरफ एलिजाबेथन एज, अब क्वेश्चन ऐसे बताए ना, शेक्सपियर किस एज के थे, तो हम लोग लिखते हैं कि एलिजाबेथन एज के थे, जैकोबियन एज के थे, तो वही यही सिलसिला जो है चलता है, है ना। और शेक्सपियर, फिर शेक्सपियर जब इतने महान हो गए तो उस समय को एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला गया लिटरेरी टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे हैं, और एज ऑफ शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट अन्य जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, ये सब शेक्सपियर इस समय के जो एज थी हमारी एलिजाबेथन एज के जो अन्य ऑथर हैं, फेमस मेजर ऑथर्स हैं, वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस किट, थॉमस लॉज, जॉन लिली, ये सब एज ऑफ शेक्सपियर में गिने जाते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा एज ऑफ मिल्टन 1600। अच्छा ये जो एक्यूरेट लिखी है मिल्टन का लाइफ स्पान लिखा है, है ना, एज ऑफ मिल्टन, तो मिल्टन का लाइफ स्पान था 1608 to 74, 1608 में उनका जन्म हुआ था, 1674 में उनकी मृत्यु हुई। और फिर ये अप्रोक्सीमेट है, इसी ड्यूरेशन से है ना मिल जुलता। अब एज ऑफ मिल्टन और कैरोलाइन पीरियड इस तरफ है, इस तरह एज ऑफ रेनेसा भी है बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच, ठीक है। तो अब कैरोलाइन पीरियड हो गया ये, और मिल्टन की एज है, तो इस मिल्टन एज के फेमस जो राइटर थे पहले तो वही थे मिल्टन हमारे, और उसको कैरोलाइन पीरियड भी कहा जाता है। और अन्य जो कौन थे इसमें, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेक, एंड्रयू मर्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, ये सारे इस पीरियड के एज ऑफ मिल्टन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ऑथर थे। अब्राहम काउले जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्स भी इसी समय आए थे। कैरोलाइन पीरियड और मिल्टन एज एक ही है। अब मिल्टन किस एज के थे, कैरोलाइन पीरियड से थे, फिर वही हो गया उसका नाम मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन लिटरेरी पीरियड के अकॉर्डिंग नाम जैसे हम रख देते हैं। उसके बाद और जो है एज ऑफ ड्राइडन, ड्राइडन का जो लाइफ स्पान है 1631 to 1700, और ये अप्रोक्सीमेट डेट यही लिखी है 1760 to 1700 है। एंड उसके बाद ये इसका हिस्टोरिक नेम क्या है, एज ऑफ रेस्टोरेशन, तो ड्राइडन हमारे एज ऑफ रेस्टोरेशन के थे, फिर वो एज ऑफ ड्राइडन हो गया। अब एज ऑफ ड्राइडन के अदर्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट हैं जो फेमस है, सैमुअल बटलर, विलियम टेम्पल, जॉन लॉक, ये सारे ज़्यादा, जॉन बेनियन, ये सारे जो है हमारे इसके एज ऑफ ड्राइडन के इम्पोर्टेंट अदर पोइट और राइटर हैं, सर जॉन डेमन, एडमंड वॉलर, ये सब। उसके बाद हमारे आ जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला एज ऑफ पॉप, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एज ऑफ पॉप। अब जो अलेक्जेंडर पॉप हमारे थे, इनकी जो लाइफ स्पान है 1688 to 1744। अच्छा एज ऑफ पॉप, ऑगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, ये लिखे एज इट इज़ मिल जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं इससे, तो एक ही है ये एज ऑफ पॉप, ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज, अप्रोक्सीमेट टाइम बीच में लिखा है ये 1700 to 1745। इसका हिस्टोरिकल वे में क्या नाम था, द क्वीन एंड एज, अर्ली जॉर्जियन एज। अब जॉर्जियन के तीन पार्ट हो गए, अर्ली, फिर मिडिल, फिर लेटर, तो ये तीन ऐसे बैठा के हम लर्न कर सकते हैं ना। तो क्वीन एन एज, ये क्वीन एन एज थी पोप के समय, और एज ऑफ पोप में जो अदर्स जो इम्पोर्टेंट राइटर थे अलेक्जेंडर पोप के अतिरिक्त, तो वो थे मैथ्यू प्राइडल, जॉन गे, और इनके भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं हमारे सामने, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड यंग, ये सारे। और जैसे कि हम आपको इनके कुछ जो एज है, डिफरेंट एज है, और इनके आपको अदर्स राइटर या पोइट बता रही हूँ ना, तो इनमें भी डबल चलेंगे, प्रोज के अलग चलेंगे, पोइट्री के अलग चलेंगे, जब हम ये एजेस पढ़ेंगे तो ऐसे डिटेल से आपको इनके बताएंगे। उसके बाद आ जाएंगे एज ऑफ जॉनसन, जॉनसन का समय है ये, बेन जॉनसन 1709 to 1784। तो ये जो है सेकंड पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी का जो है वो बेन जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन के नाम से जाना जाता है। और इस इधर उसका नाम मिडिल जॉर्जियन एज है। अब एज ऑफ जॉनसन में अदर्स जो हमारे हो जाएंगे, तो जैसे कि रॉबर्टसन है, जॉनसन है ही हमारे, उसके अलावा इधर है इसके जोसेफ एंड्रयू, स्मॉलेट, फील्डिंग, ये सारे इसके आ जाएंगे हमारे एज ऑफ जॉनसन में। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्सवर्थ की एज आ गई, रोमांटिक द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो इसे वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पान 1770 to 1850, अप्रोक्सीमेट टाइम 1798 to 1832। देखिए ये जो डेट है ना 1798, ये क्या है, आपको इससे कुछ याद आ रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था 1798 में, ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश कराया था, तो 1798 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट बनती है कि जब जिस साल लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था उसी साल से ही जो है रोमांटिक एज का शुरुआत माना जाता है, या वर्ड्स एज ऑफ वर्ड्सवर्थ का स्टार्ट माना जाता है, और 1832 तक ये रहा। इसको लेटर जॉर्जियन एज भी कहा जाता है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और इसमें लिखा नहीं है, रोमांटिक एज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ के एज
में जो अदर्स थे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम सभी पढ़ते हैं, शैले, बायरन, कीट्स, कॉलरिज, इनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, चार्ल्स लैम्ब, मूरे, ये सारे, जेन ऑस्टन, प्रोज में जेन ऑस्टन आ जाएंगी, तो ये सारे हमारे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ में काउंट किए जाते हैं, इम्पोर्टेंट राइटर एंड पोइट। द एज ऑफ टेनिसन देख लेते हैं, टेनिसन का लाइफ स्पैन 1809-1992 तक है, 1809 से 1892, और अप्रोक्सीमेटेड 1832 से 1887, और यहाँ आ जाएगा द विक्टोरियन एज। ये भी है जैसे कि एलिजाबेथन एज ऊपर शेक्सपियर थे ना, तो सिमिलरली विक्टोरियन एज भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंग्लिश में मानी जाती है। एज ऑफ टेनिसन के है ये विक्टोरियन एज, एज ऑफ टेनिसन, और इसमें जो अदर्स हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड के बहुत कोटेशंस आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड हैं तो विक्टोरियन एज के हैं, ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, डी जी रॉसेटी, ये सब कौन सी एज के हैं, ये हमारे विक्टोरियन एज के हैं। हम जब लिटरेचर इतना डीपली पढ़ लेते हैं तो हमको इनकी एज भी पता होनी चाहिए कि भाई ये राइटर इस एज के हैं, और फिर उसका हिस्टोरिक नेम क्या है। विक्टोरियन एज हम पढ़ेंगे, इधर भी याद हमें होना चाहिए भाई उसको एज ऑफ टेनिसन कहा जाता है, इधर विक्टोरियन एज कहा जाता है हिस्टोरिक वे में। एज ऑफ हार्डी, थॉमस हार्डी की बात चल रही है, 1842-1928 इनका लाइफ स्पैन हो गया, और यही इनका देखिए अप्रोक्सीमेटेड इन्हीं से टच में रख के ही तो लेते हैं ना, तो 1887-1928, फिर उसके बाद हमारी प्रेजेंट एज आ जाती है। और थॉमस हार्डी के टाइम पे जो अदर्स इम्पोर्टेंट राइटर और पोइट्स थे, तो जैसे कि 19th सेंचुरी के आ गए ना यहाँ पे, तो कौन कौन से हमारे हैं, देखिए रुडयार्ड किपलिंग, येट्स, थॉमस हार्डी है ही हमारे, एंड रूपर्ट ब्रूक, टी एस एलियट, बहुत ही फेमस है टी एस एलियट, जिनका वेस्टलैंड हम पढ़ते हैं, ये सारे हमारे, ये सब एज ऑफ थॉमस हार्डी में ही माने जाएंगे। और फिर प्रेजेंट एज जो है हम जो आज भी देख रहे हैं 1932 प्रेजेंट, इसको हम कह सकते हैं। ये हो गए सारे क्या इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड, है ना, और इसके जैसे कि कन्फ्यूज़न यहाँ से होता है, अभी ये लिखे मिल जाते हैं रेनेसा, कैरोलाइन, रेस्टोरेशन, फिर हम कहते हैं अब ये अगर हम पढ़ लें तो फिर एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ ड्राइडन ये क्या है, तो ये देख लीजिए सिमिलर है, दोनों सामने लिखे हैं, अप्रोक्सीमेट डेट बीच में लिखी है, ये एक ही होते हैं, नाम दो तरह के हैं, दो तरह से रख दिए गए लिटरेरी पीरियड में राइटर और पोइट के हिसाब से, और फिर सेकेंड में तो है हिस्टोरिक पीरियड के नाम। तो स्टूडेंट्स इनको हम कोशिश करेंगे कि हर एज को डिटेल से पढ़ें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे लेसन बनेंगे पर कोशिश करते हैं, और इस लेसन को देखने के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।